तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं बस दिखा के 12 मैंने भी खाया यार। और मैंने सुबह 9 बजे चाय और फैन भी लिया था, जो कि मेरे पति ने बना के दिया था। पर भाई गर्दन में थोड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लेटी थी ना, गर्दन कंफर्टेबल नहीं थी। हालांकि लेटने को मिला, पर वो लेटने को थोड़ा सा कम्फर्टेबल नहीं था। तो मैं सुबह से उठी ही नहीं हूँ 12 बजे से। अभी मैं फ्रूट खा के लेटने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो घर का काम हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, आप खा सकते हो ना बना सकते हो। तो सुबह चाय तो उन्होंने मुझे दे दी, थैंक यू सो मच चाय बनाने के देने के लिए, वो भी उठा के देने के लिए, और उसके बाद आके फ्रूट्स भी खिलाने के लिए। तो भाई अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, तो आपके कितने भी दुख हो, वे दुख दुख नहीं है, वे सुखी ही होते हैं। तो ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ होना चाहिए, राइट। तो भाई अब इस व्लॉग में एक चीज़ बताते हैं, कल वृंदावन से जो जो दो तीन हम लेकर आए हैं, वो क्या है क्या नहीं है, वो व्लॉग में थोड़ा सस्पेंस रहेगा अभी भी, क्योंकि अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, घर में काम नहीं किया। जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब मैं वो सस्पेंस खोलूँगी और आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी और दिखाऊँगी सारी चीज़ों को। तो भाई अब 5 o'clock हो रहे हैं, अब मैं नहा के उठ के मैंने कपड़े अपने बदले हैं, ये भी नहा लिए। हम दोनों ही अब नहाए हैं जाके 5 बजे। अभी भी थोड़ी हरारत है, सच बोलूँ झूठ नहीं बोलूँगी। अभी भी ना मतलब फिर खड़ा सा नहीं हो रहा है, वे रेस्ट की अभी और ज़रूरत है। पर अब रेस्ट नहीं करेंगे, अब पूजा करेंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है। सुबह भी नहीं करी थी क्योंकि शरीर उठ ही नहीं रहा था। और खाना भी मैंने राइस वगैरह बनाए थे, बूरे के साथ खा लिया, ऐसे जैसे तैसे खाया। दिखाओ देखो इनके बर्तन, इन्होंने बर्तन मांजे मेरे, कहाँ मांजे बर्तन? तो मांजे, बस इनका किचन साफ वाला काम नहीं होता। तो बर्तन धो दिए, वही बहुत बड़ी बात है कि बर्तन बहुत सारे थे। तो यह पूजा कर लेते फिर चलते अपना कहाँ गौशाला। हर बार जैसे हम सोचते हैं कि बंदा करेंगे करेंगे, हर बार नहीं होता है। अरे यार बहुत तंग करा है यार उन्होंने। नहीं इस बार तो हम बच गए वैसे, इस बार नजर ही नहीं मिलाई हमने। हाँ, हाँ। बहुत मुश्किल से लगाया था यार। और वो बताइयो वहां पे किसका चश्मा ले गए थे दुकान में? तो आके ले गए भाई। हाँ भाई चलो यार पूजा कर ले। तो भाई पूजा कर ली है, प्रसाद भी खा लिया है। अब ये प्रसाद बटेगा जिम पे, जो कि बच्चों को हमेशा बटता है, कि उनके अलावा अगर आप जिसको अपनी चीज़ें बांट सकते हो, चाहे खाना हो पीना हो प्रसाद हो, समझ लो वो आपके अपने हैं। और भाई जिस चीज़ की कमी थी घर में मंदिर में हमारे सुखी संसार में, वो भी आ चुके हैं। तो भाई उससे आप मिल तो चुके ही हो, फिर मैं आपको उनके एक और दर्शन करवा देती हूँ, और आपको डेली इनके दर्शन करने को मिलेंगे व्लॉग में, तो आप देखो। तो भाई अब ये मंदिर, ये घर और हमारा संसार हुआ पूरा, क्योंकि जो जो इंसान ज़रूरी थे हमारे घर में वे सारे आ चुके हैं, और जिन जिनकी थी कमी वो आ चुकी है। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि लक्ष्मी जी की कमी है, तो भाई लक्ष्मी जी भी आ गई। तो बताओ कैसी लग रही मेरी लक्ष्मी गणेश जी और मेरे लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, कुछ लोग बोलेंगे लड्डू गोपाल नहीं कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी। और प्रसाद भी चढ़ा दिए, अब इनको लेके चलते हैं प्रसाद को जिम। आप खाना खा रहे हो? दिखे, देखो देखो देखो, देखो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देखो देखो दिख रहे हैं, देखना दिख गए। चलो मैडम सारी पैक करवा लिया, थोड़ी बहुत सब्जी ज़्यादा तना वहाँ तो वो भी ना खाई, अभी तोरी और टिंडे। मैं अपनी सब्जी नहीं ले जा रही। हाँ मेरी मेरी आई 30 के पाव ले, 50 कर दियो। मैडम क्या खाना आज?
तू आज सोल ले, आज इतनी सुला दी फिर भी ये काम देख रहा भाई, इतना सुला के लाए फिर भी रख दो ऊपर, रख दो, खाया ना उसने, उसके नसीब में एक ही था। कितने हो गए? सूखना पड़ा हुआ चार रखा था ना बस, मुंह भी नहीं चल रहा मेरा तो, क्या करूं मैं तेरा। अभी वैसे इसमें फल छोड़ दिया वैसे तेज मंगाए थे इसमें जो पता, पर ये तो ही है ऐसे क्यों है के बाद खाना वाना बना दिया इनका मैंने, कैसे पसीने में सारा काम करने के बाद मेरी एसी मेरे से नहीं चल रहा था, आपसे कैसे चल गया? वहां से वो बटन ऑन कर रहा था, जब मैं कर लगी पड़ी मेरी एसी प्रॉब्लम हो गई। तो भाई अब घर आके खाना वाना खा लिया, तो भाई कल से फिर अपनी भगवान की पूजा शुरू करते हैं कि मैंने अब परमानेंट घर में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बिठा दिए। तो भाई चलना है तो भगवान भरोसे चलो, क्योंकि वही तुम्हें, और भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, जितनी जान लगानी है वो लगा दो, पर आप खुद से अपना, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सब भगवान देता है, और आपके जो रहता है ना कर्म वो देते हैं, तो आप जो भी पोस्ट कर्म से बाहर कितना ही लोगों को अच्छा दिखा दो, पर आप अंदर से किसी के लिए भी कितना ही कर लो कम है, जो करता है वही बुरा करता है। और भगवान के लिए सुबह सुबह बस 10 मिनट भी टाइम निकाल लेना, वो आपको बहुत कुछ। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि जो सबके लिए करता है वही बाद में बुरा बनता है? ये तो है, ये बताना जरूरी। तो भाई इस लोग को यही एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।